रिजेक्टेड माल पर झारखंड की राजनीति गर्मा चुकी है। इरफान अंसारी पर बीजेपी हमलावर हो गई और ऐसे वैसे हमलावर नहीं हुई है, माफी मांगने की बात कर रही है। इस बीच इरफान अंसारी ने कहा है वो मानहानि का दावा करेंगे। बीजेपी हमलावर है और उसने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। आइए जानते हैं आखिर मामला क्या है, इरफान अंसारी ने कहा क्या और बीजेपी ने हमलावर कैसे किया। फिर से मैं कहूंगा, देखिए बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जीत जाता है, उसको हाईजेक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिनको मैं हरा चुका हूँ उनको मैं कहूँगा, यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए, तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूँ कि आपके साथ लड़ने में मजा आता है, यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं। अपार जन समर्थन, अब कार्यकर्ता एक दूसरे तो रहेगा, जनता का मास। मैंने लोग कहता है कि ट्राइबल कैंडिडेट दे दिया तो ट्राइबल वोट काटेगा, ट्राइबल और एकजुट हो गया मेरे साथ। मैं 5 साल मैंने काम किया, 10 साल मैंने काम किया है, उनके हर दुखों में आप देखिएगा, हो सकता है सुख में नहीं पहुंचे हो, लेकिन दुख में एक चट्टान की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन, मतलब एक गार्जियन की तरह मैंने उनको मदद करने का काम किया। उनका पूरा जन समर्थन, सभी धर्मों का जन समर्थन मेरे साथ है। लोग अब कहने पर विवश है कि देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मुसीबत होता है तो वहाँ इरफान अंसारी को लोग खोजते हैं, शहर के लोगों को कोई दिक्कत होता है इरफान अंसारी के पास पहुँच जाते हैं। इरफान अंसारी ने जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल श्रीमती सीता सोरेन जी के लिए किया है, उनको रिजेक्टेड माल बोला है, शर्म नहीं आती इरफान अंसारी को? श्रीमती सीता सोरेन जी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, शिवू सोरेन जी की बहू और हेमंत सोरेन जी की भाभी है। वो सम्मानित नेता हैं, उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए।